दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु मोहंता में। मेरा नाम विष्णु मोहंता है। मैं हफ्ते में एक दिन टेक एंड अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। और सो लेट गेट इन टू द वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5 वेज टू स्पीड अप योर स्मार्टफोन। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर वन है आपका डिलीट अनवांटेड ऐप्स। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपके फ़ोन में टन्स ऑफ ऐप्स हैं, जो कि कुछ है यूज़फुल, कुछ है अनवांटेड। जितने भी आपके फ़ोन में अनवांटेड ऐप्स हैं, आप उन्हें डिलीट कर लीजिए, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो फ्री अप हो जाएगा इससे, और आपका जो फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर बन जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमें हम ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं, मैं भी हूँ, तो हम बहुत सारे ऐप्स ऐसे कर लेते हैं डाउनलोड, तो जो मतलब कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो आपके लिए केपेबल है, आप उसी को रखें, बाकी आप डिलीट करें। मतलब ये कि जो भी आपका अनवांटेड ऐप है आप उसे डिलीट कर लीजिए। नाउ गाइस, पॉइंट नंबर 2 इज डोंट रन बैकग्राउंड ऐप। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम में से आप बहुत सारे जो लोग हैं वो फ़ोन में जब हम चलाते हैं तो हम बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रख लेते हैं। तो जो हम ऐप्स रखते हैं दोस्तों, आपको लगता होगा कि उससे क्या होता है, उससे तो कुछ होता नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं कि वो जो बैकग्राउंड में ऐप है आपके, वो जो है इंटरनेट एक्सेस करते हैं और वो बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट और वाईफाई एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, इससे जो है आपका जो स्पीड है फ़ोन का वो ऑफकोर्स कम हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे फ़ोन में आप बैकग्राउंड ऐप्स हैं, आप उन्हें रिमूव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही नेसेसरी है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ हवा में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, आप देख नहीं सकते कि कौन सा ऐप कितना नेट यूज़ करता है बैकग्राउंड में। दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने ऐप में, यहाँ जा रहा हूँ मैं सेटिंग्स में। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कुछ ऐप्स हैं ये सबसे ज़्यादा मेरे डाटा का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है यूज़ स्पेसिफिक एंटीवायरस। जी हाँ, यूज़ स्पेसिफिक एंटीवायरस, यानी कि आप चाहें तो किसी एंटीवायरस का हेल्प ले सकते हैं अपने फ़ोन को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है आई मैनेजर, आई मैनेजर है दोस्तों, और आई मैनेजर पर जाके मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्पेस क्लीन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं, यहाँ से स्पेस क्लीन अप कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि आप फ़ोन में, मतलब कि जैसे मेरा तो वीवो है, बट कुछ फ़ोन में ऐसे आप स्पीड अप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं स्पीड अप कर देता हूँ, और देखिए देखिए कितना रैम उसने स्पीड कर दिया है। और दोस्तों, हमारे जो चौथा पॉइंट है वो निकल के आता है डिलीट जंक्स। नाउ जंक्स से मतलब मेरा ये है, जंक्स यानी कि कुकीज़। जैसे कि आप क्रोम या किसी भी वेब पे जाते हैं, वहाँ से आप अनवांटेड कोई भी फाइल्स मान लीजिए बेसिकली डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि आपको किसी काम का नहीं है। और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके फ़ोन में पहले से स्टोर होते हैं, आपके किसी काम के नहीं है, या फ़ोटोज़ हैं आपकी बहुत सारी आपने डाउनलोड कर ली, वीडियोज़ हैं, तो ये अनवांटेड जो चीज़ें हैं उसको आप डिलीट कर दें, जिससे कि आपके फ़ोन में जो रैम है उसमें स्पेस बढ़े और आपके फ़ोन की ऑटोमेटिकली इससे जो है परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी। दोस्तों,
आप इसके लिए एक ऐप है गूगल की तरफ से, गूगल फाइल्स, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गूगल फाइल्स बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसके हेल्प से अपने जो फ़ोन की स्पेस है उसे आप फ्री अप कर सकते हैं और अपने फ़ोन को बेटर बना सकते हैं। नाउ मूव ऑन, द फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है डू नॉट रन इंटरनेट विद वाईफाई। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि जो एक होते हैं मिड रेंज फ़ोन, एक होते हैं लो बजट फ़ोन और एक होते हैं एक्सपेंसिव फ़ोन। तो जो लो बजट फ़ोन थे लाइक मेरे पास, मेरे भाई के पास है सैमसंग और लावा, तो जो कि लो बजट फ़ोन होते हैं ऐसे, तो इनमें जो है अगर आप वाईफाई यूज करते हैं और फिर इंटरनेट साथ में ऑन करके आप कुछ भी चला रहे हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा हैंग करता है। तो एक टाइम पे आप एक ही चीज़ यूज़ करें, लाइक गेम खेल रहे हैं तो लाइक आप वाईफाई यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप इंटरनेट से गेम खेल कर लीजिए, नहीं तो वो हैंग होगा। और एक और पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं एक मोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका नाम होता है गेमिंग मोड, कुछ कुछ फ़ोन्स में होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए मैं क्या सेटिंग्स में, और यहाँ नीचे की तरफ अगर मैं जाऊँ, गेम मोड, आप इस गेम मोड को इनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपके ग्राफिक बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको बेटर जो है मिलेगा गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया है, अगर आप मेरे वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक में दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।